दोस्तों आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा गंगूबाई काठियावाड़ी। देखिए ये फिल्म वेश्याओं पर आधारित है तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के रिव्यू में कुछ ऐसे ही अल्फाज जरूर होंगे, तो अगर आपको ऐसे शब्दों से परहेज है तो आप फौरन ही हेडफोन्स लगा लीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये फिल्म गंगूबाई की रियल कहानी पर आधारित है, तो कहानी तो वही है जो किताबों में लिखी गई है कि काठियावाड़ी में एक लड़की थी जिसको हीरोइन बनने का शौक था। एक लड़के ने उसे अपने प्यार में फंसाया, उसको हीरोइन बनने के सपने दिखाए, उसको मुंबई लेकर आ गया और फिर उसको कमाठीपुरा में 1,000 रुपए में बेच दिया। यानी कि उस लड़की को जबरदस्ती वेश्या बनाया गया था। हालांकि वो लड़की एक अच्छे घर से थी, उसका फादर एक बहुत बड़ा वकील था। कमाठीपुरा में वेश्या बनने के बाद भी वो बहुत सारे जुल्म और सितम सहती है और फिर वो करीम लाला से मिलती है। करीम लाला उस वक्त मुंबई का डॉन था और इवन पुलिस भी करीम लाला से डरती थी। गंगूबाई ने करीम लाला को भाई बना लिया था और उसी की हेल्प से वो कमाठीपुरा की बॉस बन पाई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कहानी एक बहुत ही थिन लाइन है। एक अच्छे घर की लड़की को प्यार में फंसाया गया, उसको घर से भगाया गया, उसको जबरदस्ती वेश्या बनाया गया और फिर वो लड़की उस वक्त के मुंबई के डॉन की हेल्प लेकर कमाठीपुरा में धंधा करने वाली 4,000 वेश्याओं की बॉस बनी। यहां तक ये कहानी इंटरेस्टिंग है, तो यानी कि इस कहानी पर 30 से 40 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म या एक वेब सीरीज बन सकती है। लेकिन इस कहानी पर 2 घंटे 40 मिनट की लंबी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम था और संजय लीला भंसाली ने वही किया। और इतनी लंबी फिल्म बनाने के लिए रियल कहानी में बहुत सारा फिक्शन ऐड किया गया और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ लुक्खे लोग कोठों पर आते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन फिल्म में एक सीन रखा गया है कि भाई एक गुंडा आता है, वो गंगूबाई को मुंह मांगी रकम देता है, लेकिन बजाय सेक्स करने के उसको इतना मारता है कि उसके हाथ पैर तोड़ देता है, उसको अधमरी कर देता है। ये सीन फिक्शन का भी बाप है। इस सीन को हजम करना बहुत मुश्किल काम है और उसी के बाद गंगूबाई करीम लाला के पास जाती है, उसको अपनी चोटें दिखाती है और करीम लाला उसको अपनी बहन बना लेता है। पूरी फिल्म को सेट पर शूट किया गया है, तो जो कोठे बनाए गए हैं वो सेट है, तो तकरीबन 3 मंजिल के फैंसी कोठे बनाए गए हैं। भाई अगर कमाठीपुरा में इतने बेहतरीन कोठे हैं, महल जैसे कोठे हैं, तो फिर उन वेश्याओं को तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आलिया के अपोजिट में एक नल्ले से दिखने वाले एक्टर शांतानु को लिया गया है। उसकी वजह यह है कि SLB ये दिखाना चाहता था कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म सिर्फ आलिया भट्ट की है। हालांकि इस हीरो का रोल बहुत लंबा है, आलिया भट्ट उससे मिलती है, उससे प्यार होता है, उसके साथ 2 गाने भी गाती है, फिर उसकी शादी किसी और लड़की से कराती है। तो जब फिल्म में गुंजाइश थी और हीरो का रोल इतना लंबा था तो किसी अच्छे बड़े हीरो को लिया जाना चाहिए था जो आलिया के साथ अच्छा दिखता। लेकिन संजय ने एक ऐसे हीरो को आलिया के साथ लिया है कि पूरी फिल्म में सिर्फ आलिया ही आलिया दिखती है। हीरो कब आता है, क्या करता है, किसी को पता नहीं चलता। मतलब हीरो का रोल इतना लंबा होने के बावजूद भी क्लाइमैक्स तक वो हीरो नल्ला ही दिखता है। इंटरवल के बाद वेश्याएं आपस में ही लड़ने लगती है क्योंकि उनका इलेक्शन होने वाला है और जो इलेक्शन में जीतेगी वो कमाठीपुरा की बॉस बन जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्क्रीन प्ले बहुत ही ढीला है, ये पब्लिक को होल्ड करके नहीं रख सकता। फिल्म के डायलॉग्स भी बड़े वाहियात हैं। फिल्म शुरू ही होती है और शायद एक सीन के बाद ही डायलॉग है कि देख ग्राहक के सामने मुंह बंद रखना और टांगे अच्छे से खोल देना। दूसरा डायलॉग गंगूबाई गु खाती है क्या, यानी ऐसे ही वाहियात डायलॉग्स इस फिल्म में भरे पड़े हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये आधी फिल्म लव स्टोरी है और जब लव स्टोरी है तो उसमें म्यूजिक बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन कमाल यह है कि इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा खराब है। खराब ही नहीं बल्कि बहुत ही घटिया है। संजय अपनी फिल्मों में खुद ही म्यूजिक भी देता है। अगर आपको याद है संजय की एक फिल्म थी रामलीला, बस उसी की सारी ट्यून्स को यहां संजय ने दोबारा पेल दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन ट्यून्स को बहुत ही घटिया तरीके से दोबारा बनाया गया है। सारे ही गीत तुराज ने लिखे हैं और अल्फाज अच्छे हैं, बट अच्छे अल्फाज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब उन गानों की ट्यून्स बहुत ज्यादा खराब है। यह मानने में मुझे कोई एतराज नहीं है कि संजय लीला भंसाली एक टैलेंटेड आदमी है, लेकिन टैलेंटेड आदमी होने का मतलब यह नहीं है कि फिल्म में सब कुछ वो खुद ही करे।
संजय ने ही एडिटिंग की है, संजय ने ही डायरेक्शन किया है, संजय ने ही म्यूजिक दिया है, संजय ने ही कोरियोग्राफी की है, और हकीकत यह है कि संजय इनमें से एक भी काम अच्छा नहीं कर पाया है। देखिए संजय टैलेंटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ख्याल में संजय को बाहर के लोगों को लेना चाहिए ये सब काम करने के लिए, और उनको अच्छी तरह से गाइड करके उनसे बढ़िया काम लेना चाहिए, ना कि सारे काम खुद करने चाहिए। इस फिल्म में संजय का डायरेक्शन बहुत ही खराब है, वो फिल्म के किसी भी डिपार्टमेंट को सही से हैंडल नहीं कर पाए हैं। इस फिल्म में वो कहीं भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। मेरे ख्याल में उनके सर पे भूत चढ़ा हुआ था कि उनको फिल्म आलिया भट्ट के साथ ही बनानी है, और संजय को जयंती लाल गाढ़ा से 150 करोड़ रुपए मिल गए थे, तो संजय ने 75 crore फिल्म पर खर्च कर दिए और बाकी के 75 अंदर कर लिए, बात खत्म। संजय का डायरेक्शन कितना खराब है ये मैं आपको सिर्फ एक सीन में बताता हूं। अगर आपको याद है देवदास, उसमें माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या जी ने एक गाने पर जबरदस्त डांस किया था। इस फिल्म में भी एक ऐसा ही गाना है और उस गाने पर आलिया भट्ट से वैसा ही डांस कराने की कोशिश की गई है जैसा कि ऐश्वर्या राय ने किया था, और आप यकीन कीजिए आलिया भट्ट उसका 5% भी नहीं कर पाई है। एक 2.5 feet की हाइट और 35 kilo वजन वाली लड़की वैसा डांस कैसे कर पाएगी, वैसे एक्सप्रेशन कैसे दे पाएगी जैसे कि ऐश्वर्या या माधुरी जी दे सकती हैं। तो मेरे ख्याल में संजय को यही पता नहीं था कि आलिया किस स्टैंडर्ड की हीरोइन है और संजय को आलिया से किस तरह का काम लेना चाहिए। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो अजय देवगन का गेस्ट रोल है, उसके सिर्फ 4 scenes हैं, अजय ने एक ही एक्सप्रेशन के साथ चारों सीन कर दिए हैं। विजय राज के 2-3 छोटे छोटे सीन हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि शांतनु तो पूरी फिल्म में नल्ला ही दिखा है, ना ही उस बेचारे को एक्टिंग आती है और ना ही वो हीरो दिखता है। अगर आपको याद है तो आलिया भट्ट ने फिल्म राजी में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, इस फिल्म में आलिया बढ़िया एक्टिंग नहीं कर सकी। शायद उसकी वजह यह है कि यह रोल आलिया का था ही नहीं। आलिया पूरी फिल्म में बच्ची दिख रही है, आलिया का कदकाठी इतना छोटा है, वजन इतना कम है कि वो कहीं भी औरत ही नहीं दिख पाती, लेडी डॉन तो छोड़ ही दीजिए। तो आलिया के अगर 3-4 scenes को छोड़ दिया जाए तो आलिया ने इस फिल्म में अच्छी एक्टिंग नहीं की है। हुमा कुरैशी सिर्फ एक गाने में है और वो रियल में वैश्या दिखी है, क्योंकि माशाल्लाह उसकी कदकाठी बहुत अच्छी है और वो भरी भरी औरत दिखती है। जिम ने फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका निभाई है और उसने अपने रोल को बहुत अच्छे से किया है। जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म गंगूबाई की सच्ची कहानी पर आधारित है, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म में क्लाइमेक्स है ही नहीं। गंगूबाई देश के पीएम से मिलती है और वहीं क्लाइमेक्स हो जाता है। यानी कुल मिलाकर इस फिल्म में एंटरटेनमेंट है 0, थ्रिल है 0, इमोशन है 0। तो इस फिल्म को कौन देखेगा और किस लिए देखेगा? मेरी समझ में नहीं आया कि संजय ने इस फिल्म को किन दर्शकों के लिए बनाया है, क्योंकि ना तो फिल्म रियल है और ना ही फिक्शन है। तो फिर फिल्म को किस लिए देखा जाए? यानी कि इस फिल्म को सिर्फ गंगूबाई को जानने के लिए देखा जाए, या इस फिल्म को सिर्फ संजय लीला भंसाली के नाम के लिए देखा जाए? भाई संजय की फिल्म भी मैं तब देखूंगा जब उसमें एंटरटेनमेंट होगा। जब एंटरटेनमेंट नहीं है तो मैं अपने पैसे क्यों खराब करूंगा, मैं अपना टाइम क्यों खराब करूंगा, मैं पैसे देकर और टाइम खर्च करके टॉर्चर होने क्यों जाऊंगा? तो दोस्तों मैं इस फिल्म को देता हूं 1 star और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। मैं समझता हूं कि यह फिल्म तकरीबन 50 से 60 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगर आपकी मर्जी में आता हो तो। घंटी चाहो तो दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी दबा दोगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिलेगा।